की जय। वंदे मातरम। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, महानगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए भारत के निर्माण में हमारे जितने भी हमारे सैनिक, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे उद्योगपति, व्यापारी भाई और जितने भी हमारे नौजवान साथी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक संदेश आज इस अवसर पर कि ये देश लाखों बलिदानियों के अथक प्रयासों से आज भारत हमारा स्वतंत्र है। भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बन रहा है और आज हमारी सेनाएं सुसज्जित हैं। देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। आज राफेल जैसे हमारे लड़ाकू विमान भारत पे हैं। आज हमारे वैज्ञानिक मंगलयान छोड़ने की स्थिति में हैं। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर हैं। आज हमारा चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरी रोड ट्रांसपोर्ट हो, आज देश बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। क्यों? भारत 74 साल का आज भारत माता को स्वतंत्रता मिल चुकी है। आओ नए भारत के निर्माण में जो मेरे युवा साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अपने कर्तव्यों के प्रति, देश के प्रति जो उनकी भावना है उसको प्रदर्शित करें और इस देश से जब तक हम इस तिरंगे से प्यार नहीं करेंगे, इस तिरंगे के लिए लहू नहीं बहाएंगे तब तक ये तिरंगा ही हमारी शान है और ये तिरंगा ही हमारी आन है। इस आन पर मिटने के लिए हमेशा सबको 135 करोड़ भारतवासियों को हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी ये आजादी अक्षुण रह पाएगी। चूंकि आज देश के चारों तरफ जो हमारी सीमाएं हैं, हमारी सीमाओं के पड़ोसी देश आज भी भारत के ऊपर नजर लगाए हुए, परंतु हमारा प्रत्येक भारत का बच्चा बच्चा इस काम के लिए अपना लहू देने के लिए तैयार है। वंदे मातरम। जय हिंद।